हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनिता दीप्ति एक्सप्लोर्स, जोठी आपण माने पांती एसे लेटर एप्लीकेशन स्पीच स्लोगन्स पहेली जीके मैथ इंग्लिश ग्रामर ओडिया ग्रामर एमती अनेक एजुकेशनल वीडियो। आज आम सप्तम श्रेणी गणित बहीर अभ्यास कार्य 11.2 रो संपूर्ण समाधान करिबा, जेउथिरे आम संभाव्यता विषय पढ़ा। पिला माने देखो टिके प्रथम बुझिजिबा संभाव्यता माने कौन। गोटे मुद्रार दुईटी पाख अच्छी, गोटे पाख है हेड, आ गोटे पाख है टेल। हेड पाख है एच, आ टेल पाख है एल। तेणु आमर एठी मोट फलाफल कौन, दीटा हेड आउ टेल मिसिकी मोट फलाफल है दुई। उद्दिष्ट फलाफल केड कि टेल गोटे पड़ो। तेणु एतिक जिनस को लेकिन आम चैप्टर समाधान करवा। संभाव्यता बा प्रोबेबिलिटी रो सूत्र पिला माने मन रख, उद्दिष्ट फलाफल विभक्तक मोट फलाफल संख्या, एटा हला संभाव्यतार सूत्र। उद्दिष्ट फलाफल माने हेड हो टेल हो गोटे पड़ो। तेणु एक है उद्दिष्ट फलाफल, मोट फलाफल कौन, दुटा जाक मिसिकी दुई। एबे आम एक नंबर प्रश्नर समाधान करवा। लिखा जाइए निम्नक्त के निश्चिंत घटिबो बा घटिबा असंभव घटिपे बा न घटिपे लेख। प्रथम एक नंबर कर प्रश्न है पूर्णिमा दिन सूर्योपराग घटिबो, एटा हला असंभव। एटी लिखिबा साइड रे डाहाण पटे लिखिबा असंभव, कारण पिला माने पूर्णिमा रे आमर चंद्र ग्रहण हुए, अमावास्या रे सूर्योपराग हुए, तेणु आमर एटा हला घटिबा असंभव। खटा हला 2010 मसीहार फेब्रुआरी मासर दिन संख्या 29, जदि अधिवर्ष पड़े बा सेटा 4 रे विभाज्य हुए ताले सेई वर्ष ही फेब्रुआरी मासटा 29 दिनिया हुए। 2010 आदौ 4 विभाज्य नुह, तेणु घटिबा असंभव। ग नंबर हला 8 दिन पर बजार रे आलु दर कमिजिव, आमे जानिने 8 दिन पर बजार रे आलु दर बढ़ी पारे कमी मध्य पारे, तेणु एटा कौन आम लिखा घटी पारे बा घटी न पारे, जेटा आम जानिने आग को कौन हम बढ़ी पारे कमी पारे बेसी बढ़ी पारे बेसी कमी पारे, तेणु लिखा घटी पारे बा न घटी पारे। आसंता काली मेघुआ पाग हम, एटा भी ठीक से भाया मेघुआ पाग हो पारे न हो पारे, कारण पानी पाग सबुबले बदलु थाए, तेणु एटा घटी पारे बा न घटी पारे। दुई नंबर प्रश्न गोटे थली रे नाली कला धला नील सबुज हलदिया प्रत्येक रंगर गोटे लेखाएं सामान आकार बल अच्छी, ताने समुदाय 6 बल अच्छी। एबे क नंबर प्रश्न आखि बंद करी थले भीतर गोटे बल आणवा, ताहले धला रंगर बल बाहर भार संभाव्यता केते, 6 बल अच्छी। आमे जदि धला रंगर बल आणिया गोटे बल आणिया ताहले आमर एठारे समुदाय फलाफल बा मोट फलाफल है 6, उद्दिष्ट फलाफल है 1। तेणु धला रंगर बल बाहर संभाव्यता है उद्दिष्ट फलाफल विभक्तक समुदाय फलाफल बा मोट फलाफल, तेणु 1/6 है उत्तर। सेमती ख नंबर थली रे 6 जाक बल थिबा बेले नील रंगर बलटीए बाहर करिवार संभाव्यता, एटी भी सेमती 6 बल रु गोटे बाहर, तेणु 1/6। नील रंगर बल बाहर करिआणिबा परे सबुज रंगर बल बाहर संभाव्यता केते, समुदाय 6 बल, नील बल काढ़ीआणिले ता माने केते रहिला 5 बल, तेणु मोट फलाफल है 5, उद्दिष्ट फलाफल से 1, ता माने नील रंगर बल माने गोटे बल काढ़ीआणिया, तेणु उद्दिष्ट फलाफल है से 1। तीन नंबर तुम श्रेणीर पुओ और झियो मानक मध्यरे क्रिकेट मैच हबो, पुओ बा झियो मानक मध्यरु किए प्रथमे बैटिंग करिवे ताहा मुद्रा टॉस रे हेड पड़ीबा द्वारा स्थिर हेबो, मैच रे झियो माने प्रथमे बैटिंग करिवार संभाव्यता केते। तेणु आमे इटि लिखिबा पुओ बा झियो किए बैटिंग करिवे ए घटनाटा संभाव्यताटा हेड किंबा टेल हेले निर्भर करिवो, दुटा ऑप्शन आइदर हेड पड़िबो किंबा टेल पड़िबो, तेणु आमे लिखिबा एहा हेड किंबा टेल उपर निर्भर करे, पुओ बैटिंग करंतु बा झियो बैटिंग करंतु उद्दिष्ट फलाफल हम 1, जीए कले भी थोड़े बैटिंग करिवो, आउ मोट फलाफल केते पुओ बैटिंग हला 1, झियो बैटिंग हला 1, मिसिकिरी मोट फलाफल हला 2, आउ उद्दिष्ट फलाफल हला 1, तेणु प्रत्येक क्षेत्र रे संभाव्यता आमर हम 1/2, एटा हला आमर उत्तर। सूत्रटी की पिला माने भलसे बुझ, उद्दिष्ट फलाफल माने
ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୋଟ ଫଳାଫଳ ମାନେ ସବୁତିକ ଫଳାଫଳ, ତାମାନେ ଝିଅ ପୁଅ ମିଶିକିରି ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ ଆମର ମୋଟ ଫଳାଫଳ ଦୁଇ ହୋଇଯିବ। 4, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ 20 ଥର ଗଡ଼ାଇ ଯାହା ଫଳାଫଳ ପାଇଲ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପୂରଣ କର। ଆମେ 20 ଥର ଗଡ଼େଇବା, ଏ ଯେଉଁ 1, 2, 3, 4, 5 ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ଥର ପଡ଼ିଲା, ତାମାନେ 1ଟା କେତେଥର ପଡ଼ିଲା, 2 କେତେଥର ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ସଂଖ୍ୟା ବସେଇ ପାରିବା। ନହେଲେ ତୁମେ ନିଜେ 20 ଥର ଗଡ଼େଇକିରି 2 କେତେଥର ପଡ଼ିଲା, 3 କେତେଥର ପଡ଼ିଲା ଏମିତି ଲେଖିବ, ଯେମିତି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମିଶିଲେ ଆମର 20 ଥର ହେଉଥିବ, କାରଣ ଗୋଟି ଗଡ଼ାଇବା ସଂଖ୍ୟା ଆମର 20। ତେଣୁ ଦେଖ 5, 3, 8, 2, 10, 4, 14, 17, 3, 20 ଏମିତି ଲେଖିବା ଯେମିତି 20 ହେବ। ଏବେ ତାପର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ 20 ଥର ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ଗଡ଼ାଇଥିବା ବେଳେ 4 ପଡ଼ିବାର ଥର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 4 ପଡ଼ିଛି 4 ଥର। ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ ମୋଟ ଗଡ଼ାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 20। ତେଣୁ 4 ବିଭକ୍ତକ 20 ହେଲା 4/20 ବା 1/5 ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର, ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା କରିବା, ଲେଖାଯାଇଛି ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ଗଡ଼ାଇବା ବେଳେ 4 ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ପୂର୍ବ ଫଳାଫଳ ସହ ତୁମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସମାନ ହେଲା କି? ଆମେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ବାହାର କରିଛେ 1/5 ସେଇଟା ଆମକୁ ଡ୍ୟାଶ୍ ପୂରଣ ହିସାବରେ ବାହାର କରିଛି, ଏଠି ଯେଉଁଟା ବାହାର କରିବା ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ ଲେଖିବା 4 ଆମର 4 ଥର ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଆମର ଏଠାରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ହେଲା 4, ଆଉ ଆମର ମୋଟ ଫଳାଫଳ କେତେ? 20 ଥର ଗଢ଼ା ହେବ, ତେଣୁ ମୋଟ ଫଳାଫଳ ହେଲା 20। ତେଣୁ ଲେଖିବା 4 ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସମାନ, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ହେଲା 4, ବିଭକ୍ତକ ମୋଟ ଫଳାଫଳ ହେଲା 20, କାଟିକିରି 1/5 ଲେଖିବା। ଏବେ ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖିବି, ସୂତ୍ରଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ବିଭକ୍ତକ ମୋଟ ଫଳାଫଳ। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, 4 ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସମାନ, ପ୍ରଶ୍ନରେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସମାନ ହେଲା କି? ଆମେ ଲେଖିବା ହଁ ସମାନ, 4 ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସମାନ, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ହେଲା 4, ବିଭକ୍ତକ ମୋଟ ଫଳାଫଳ ହେଲା 20, ସମାନ 1/5। ଏବେ ଆମର ଉଭୟ ଫଳାଫଳ ସମାନ ହେଲା, ଲେଖିବା ହଁ ସମାନ, ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ତୁମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସମାନ ହେଲା କି? ଲେଖିବା ହଁ ସମାନ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ସେୟାର କର। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଷ୍ଟେ କନେକ୍ଟେଡ୍, କିପ୍ ୱାଚିଂ।